डिफरेंट हैड्स में एक समरी के तौर पर शो करते हैं एंड दैट समरी ऑफ द इनफ्लोज आउटफ्लोज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट्सेट्रा इज कॉल्ड द बैलेंस शीट सो दिस इज इस्टेब्लिश्ड एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम सो कोई भी वक्त का एलिमेंट यहाँ इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेट दिस पर्टिकुलर बैलेंस शीट इज़ द बैलेंस शीट दैट टेल्स यू अबाउट

So, the difference between the assets and the liabilities of a firm tells us about the net worth or ya owner's equity, and corporation corporation's net worth is, stockholders' equity. Bhi bolte hain. So, uh, when we talk about the values of assets and the liabilities and the net worth, um, that is uh, reported by following certain standards, as I mentioned earlier. और जो हम स्टैंडर्ड्स या प्रोसीजर को फॉलो करते हैं इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए दैट इज़ द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स विच इज़ जी ए पी सो उस प्रोसीजर को फॉलो करके ये डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जैसे आपका दिल चाहे आप उसको नहीं बना सकते और इन जी ए पी के प्रोसीजर को फॉलो करके बैलेंस शीट को बनाना अहम है बिकॉज जितने भी फर्म्स हैं जितने भी कंपनीज हैं मोरलेस Uh, there is this one type of balance sheet that is established, and there is this one format which is followed, and this is done in order to minimize the cost and in order to maintain standardization. Our balance sheet banta kaise hai? so we have in the balance sheet there are two major components: we have the assets side and we have the liability side. When we report the assets, the first thing we report is the current assets. Current assets the maam assets. Hai, jo ke एक साल के अंदर अंदर आपके पास कैश फॉर्म में आ आ सकते हैं सो so, अभी आपका आपके पास कितना कैश है या वो कोई भी ऐसे के आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे आपको कैश मिल सकती है कोई पेमेंट आनी है जो कि एक साल के अंदर अंदर मिलेगी उन सब चीजों को हम करंट एसेट्स में अकाउंट फॉर करते हैं सो वेन इट कम्स टू करंट एसेट्स वी हैव कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज अगैन द टाइम पीरियड इज लेस देन अयर फिर हमारे पास रिसीवेबल्स डाले हैं ये वो पैसा है फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बैलेंस शीट ऑफ ऑफ एन इमेजनरी कंपनी कंपनी का नाम हम रख लेते हैं कोई कंपनी है एक्स वाई जी या ए बी सी और उसकी ये बैलेंस शीट है और ये एंट्रीज आपको देखने को मिल रही हैं सपोज़ जो फर्स्ट कॉलम में आपको एंट्रीज मिल रही हैं दिस इज़ फॉर द ईयर टू थाउजेंड एंड इन द नेक्स्ट कॉलम यू आर सींग एंट्रीज फॉर ईयर टू थाउजेंड एंड वन और लास्ट कॉलम में आपको एंट्रीज़ जो देखने को मिल रहे हैं दैट इज़ द डिफरेंस और द चेंज बिटवीन दीज टू सो एज़ आई मैंशन अर्यर सबसे पहले हम करंट एसेट्स को रिपोर्ट करते हैं करंट एसेट्स में द फर्स्ट एंट्रीज कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की उम्र एक साल या उससे कम है इन ईयर 2000 थाउजेंड फॉर एग्जाम्पल द कैश एंड मार्केटबल सिक्योरिटीज़ आपके पास है एक सौ बिलियन डॉलर और रिसीवेबल्स यानी कि जो कस्टमर्स ने आपको एक साल के अंदर अंदर पैसा देना है सपोज़ वो आपको यहाँ रिपोर्ट किया गया है फिफ्टी मिलियन डॉलर और आपके पास जो इन्वेंट्रीज़ हैं यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो आपके पास वन हंड्रेड एंड फिफ़्टी मिलियन डॉलर्स का रखा हुआ है तो आपके टोटल करंट एसेट्स जो हैं वो इस वक्त इन तीनों एंट्रीज़ को ऐड करने से ओपटेन जो किए हैं वो आपके थ्री हंड्रेड मिलियन डॉलर्स हैं इस करंट एसेट्स के बाद में हम मजीद वैल्यूज उसके पास जाते हैं जहाँ हमारा एसेट तो है मगर वो करंट नहीं है यानी कि उनकी जो टाइम पीरियड है वो एक साल या उससे कम नहीं है उसमें हम अकाउंट फॉर कर रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विच इज़ एब्रीविएटेड एज पी पी एंड ई और इसकी वैल्यू है एज ऑन मैंने इसको बोला था सपोज इसको समझ लें ये टू थाउजेंड या टू थाउजेंड है तो उसकी वैल्यू आपने बनाई फोर हंड्रेड और इसमें से आपने जो Uh, जो आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है इसमें से आपने डेप्रिसिएशन को माइनस किया डेप्रिसिएशन आपने अकाउंट फॉर की हंड्रेड मिलियन डॉलर की माइनस किया तो आपके पास आ गई नेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू है थ्री हंड्रेड मिलियन डॉलर्स सो अगर आप करंट एसेट्स को और पी एंड ई की वैल्यू को अकाउंट फॉर करेंगे दिस इज दिस थ्री मिलियन डॉलर्स एंड दिस थ्री मिलियन डॉलर्स टुगेदर दे विल एंड अप इन टोटल एसेट्स इक्वल टू सिक्स मिलियन डॉलर्स फॉर द ईयर टू थाउजेंड सो वेन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस बैलेंस शीट इट इज द लाइबिलिटीज एंड द स्टॉक होल्डर्स एक्विटी सो इसी तरह से जैसे हमने करंट एसेट्स पहले बात किए थे हम करंट लाइबिलिटीज को अकाउंटफर करते हैं बैलेंस शीट को बनाने के लिए करंट लाइबिलिटीज का मतलब है कि आपने जो लोगों को पैसे देने हैं और एक साल के अंदर अंदर देने हैं तो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज दैट हैज बीन टेकन इंटू अकाउंट इज द अकाउंट पेबल विच इज़ सिक्सटी मिलियन डॉलर फिर आपने शॉर्ट टर्म डेट लिया हुआ है और ऑब्वियसली लोगों को वापस करना है तो ये आपकी लाइबिलिटी है दैट अमाउंट्स टू बी नाइन्टी मिलियन डॉलर तो आपके टोटल करंट लाइबिलिटीज़ बन गए एक सौ पचास मिलियन डॉलर फिर आपने ये करंट लाइबिलिटीज़ का हेड आपने बनाया उसके बाद आप लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर चले गए आपने आठ परसेंट इंटरेस्ट के ऊपर बॉन्ड्स ईशू किए हुए हैं जो कि टू थाउजेंड एंड सेवन में मच्योर होंगे और इसके ऊपर आपने वो 150 मिलियन डॉलर के हैं फिर आपने स्टॉक होल्डर्स एक्विटी उठाई है वन मिलियन शेयर्स बेचे थे जिसका पेड ऑफ कैपिटल जो लोगों ने आपको परचेज़ किए हैं ये शेयर्स दैट इज़ फॉर टू हंड्रेड मिलियन डॉलर और जो आपने उन शेयर्स के ऊपर जो अर्निंग्स किए हैं और उनको उनको वापस नहीं किया आपने रिटेन किए थे अर्निंग्स फॉर द ईयर टू थाउजेंड दे टर्न आउट टू बी वन हंड्रेड मिलियन डॉलर तो so, 100 मिलियन डॉलर और 200 मिलियन डॉलर की एक्विटी को आप ऐड करेंगे तो आपका स्टॉक होल्डर एक्विटी की वैल्यू बन गई 300 मिलियन डॉलर्स सो जब आपने 300 मिलियन डॉलर्स की स्टॉक होल्डर एक्विटी अकाउंट फॉर की आपके जो लॉन्ग टर्म डेट थी 150 की और टोटल करंट लाइबिलिटीज़ हंड्रेड के तो ये सारे मिला के आपके टोटल लाइबिलिटीज़ एंड एक्विटी बन गया सिक्स मिलियन डॉलर्स सो जब हम करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटी में से माइनस कर देते हैं तो आपका नेटवर्किंग कैपिटल बन जाता है सो इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर नेटवर्किंग कैपिटल इट इज़ नॉट शोन इन बैलेंस शीट बट दिस इज हाउ वी वी एनालाइज इट बाई लुकिंग एट द वैल्यूज ऑफ द बैलेंस शीट कि आपके करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का डिफरेंस इज योर नेटवर्किंग कैपिटल सो दिस वॉज फॉर द ईयर टू थाउजेंड अभी uh, उस वक्त की ये बॉटम में यहाँ टेबल के ऊपर दिया हुआ है वैल्यू फॉर एक्जाम्पल आपका जो मार्केट प्राइस पर कॉमन शेयर है दैट इज़ रिपोर्टेड इन ईयर टू थाउजेंड एज टू हंड्रेड डॉलर ये वैल्यू मिलियन uh, में नहीं है ये शेयर का प्राइस है फ़ॉर द ईयर टू थाउजेंड ना इफ़ वी लुक एट द वैल्यूज़ फ़ॉर द ईयर टू थाउजेंड एंड वन तो ये जो एक्स लगा हुआ है यहाँ मैं जीरो लगा रही हूँ सो दिस इज़ सपोज द वैल्यू फॉर टू थाउजेंड एंड वन और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके जो कैश एंड मार्केटबल सिक्योरिटीज़ हैं वो एक सौ से उठ के एक सौ बीस हो गए हैं बढ़ गए हैं जो लोगों से आपने पैसा लेना था एक साल के अंदर अंदर वो फिफ्टी मिलियन डॉलर से इनक्रीज़ करके सिक्सटी मिलियन डॉलर हो गया है यहाँ आपको टेन मिलियन डॉलर का फ़र्क पड़ा है यहाँ इंक्रीज़ करा है यहाँ आप कैश एंड मार्केटबल सिक्योरिटीज़ में आपका ट्वेंटी मिलियन डॉलर का चेंज है और इन्वेंट्रीज में आपके हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन डॉलर का इन्वेंट्री था ईयर टू थाउजेंड में टू थाउजेंड एंड वन में वो हंड्रेड एंड एट्टी का हो गया इसका मतलब है यहाँ थर्टी मिलियन डॉलर की इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज़ कर गई है सो अब जो आप टोटल करंट एसेट्स लेते हैं फॉर दयर टू थाउजेंड वन they have now increased from 300 to 360, and the change is of $60 million. Um, looking at the property plant and equipment and its net value, jobab uh, depreciation ko account for ki key value, the property plant and equipment ki, that is, that was $400 million in year 2000. it has now gone up to $490 million. this is have depreciation minus key. तो आपके पास वैल्यू निकल के आई है 360 तो आप इनको अकाउंट फॉर करेंगे आपके टोटल करंट एसेट्स को और आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की नेट वैल्यू को तो आपके टोटल एसेट्स बन जाते हैं 720 मिलियन डॉलर्स एंड रिमेंबर जो आपके टोटल करंट एसेट है इसकी वैल्यू को टोटल करंट लाइबिलिटी से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा नेटवर्किंग कैपिटल so moving further to the liabilities for the year 2001 थाउजेंड एंड आप देख सकते हैं कि जो आपके accounts payable हैं देव गॉन अप्राम सिक्सटी टू सेवेंटी टू million dollar short term debt आपकी बढ़ गई है नब्बे से हंड्रेड एंड एटी फोर पॉइंट सिक्स और इसकी वजह से आपका जो total current liability है वो भी इंक्रीज कर गया लॉन्ग टर्म डेट आपने नहीं इंक्रीज किया वो आपने वही मैंटेन किया था दैट इज़ वाई वी सी आर जीरो एज द चेंज बिटवीन द लॉन्ग टर्म डेट फॉर 2000 एंड थाउजेंड एंड वन स्टॉक होल्डर एक्विटी में आपने कोई नए शेयर्स इशू नहीं किए लिहाजा पेड इन कैपिटल आपका टू हंड्रेड मिलियन डॉलर ही है यहाँ आपको कोई चेंज नहीं मिल रही लेकिन जो रिटेर्न अर्निंग्स हैं वो आपके इंक्रीज कर गए हैं सो एज अ रिजल्ट आपकी जो टोटल लाइबिलिटीज एंड एकटीज़ हैं दैट हैज़ गॉन अप फ्रॉम सिक्स हंड्रेड मिलियन डॉलर टू सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सो वी सी अ चेंज ऑफ वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी मिलियन डॉलर्स और इफ़ वी लुक एट द मार्केट प्राइस पर कॉमन शेयर तो टू थाउजेंड में एक शेयर आपका आपकी कंपनी का ये प्राइस थी टू हंड्रेड डॉलर अभी वो रिड्यूस होके वन हंड्रेड एटी सेवन पॉइंट टू हो गई है सो यू कैन सी दैट देर इज अ चेंज ऑफ ट्वेल्व पॉइंट एट डॉलर देर इज़ अ फॉल इन द शेयर प्राइस ऑफ डॉलर ट्वेल्व पॉइंट एट सो इसका ऊपर इससे लेना देना कुछ नहीं है ये अकाउंट फॉर किया गया है स्टॉक मार्केट से डेटा उठा के लेकिन आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें आपने सिर्फ अकाउंट फॉर करने हैं टोटल लाइबिलिटीज़ एंड एकटी को करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटीज़ को और इनकी कॉम्बिनेशन के साथ आप बैलेंस शीट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं नाउ देर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू दैट पेन वी आर लुकिंग एट द बैलेंस शीट एंड देर इज दिस एंड ऑफ अ ईयर चेंज इन दिस कंपनी एक्सपाय जिसकी अभी हम बैलेंस शीट की बात कर रहे थे उससे सपोज़ uh, साल के एंड पर एक एडिशनल फिफ्टी मिलियन डॉलर की लॉन्ग टर्म डेट इशू कर दी है तो इसको हम किस तरह से अकाउंट फॉर करेंगे अपने बैलेंस शीट के अंदर तो चूंकि डेट के लॉन्ग टर्म डेट इशू किया है ऑब्वियसली uh, उसके ऊपर आपने कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू किया है जिसके अगेंस्ट आपने फिफ्टी मिलियन डॉलर बोरो किए हैं मार्केट से उठाए हैं पैसे तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ फिफ्टी मिलियन इंक्रीज इन योर एसेट्स एंड एट द सेम टाइम इट विल बी शोन एज द Uh, liability also because eventually you have to repay it. So, this will be a 50 million plus and a 50 million minus. Uh, 50 million will be accounted for in the liability side also and in the assets also. So, these two things you to show karna as uh, if this type of a situation occurs if um, in uh, or is done by a firm.